अब राजनीतिक या फिर चुनावी या सियासी आतिशबाजी कह लीजिए, उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी आज इसी अमेठी से नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर दोबारा सुनवाई के बारे में कह दिया है। तो क्या ये केंद्र को एक बड़ा झटका है? दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राफेल पर अगर फिर से सुनवाई होती है तो राहुल गांधी जाहिर तौर पर इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और सियासी आतिशबाजी अब इस पूरे मामले पर वोटिंग के एक दिन पहले होने वाली है। क्या तर्क, क्या दलील बीजेपी देती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। राहुल हमला करते हैं तो क्या कहते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। जल्दी से संजय से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। संजय, आप कोर्ट के बाहर हैं। कुल मिलाकर बीजेपी अभी तक इसी कोर्ट के कहे को अपना तर्क, दलील और बचाव बना रही थी, अब जबकि कोर्ट ने कह दिया हम दोबारा सुनवाई करना चाहते हैं, तो किन बिंदुओं पर कांग्रेस सबसे ज्यादा हमला करेगी और किन बिंदुओं पर बीजेपी जवाब देगी या फिर उसके लिए बचाव करना मुश्किल पड़ जाएगा? कांग्रेस का बिल्कुल साफ स्टैंड होगा कि जिन दस्तावेजों पर उन्होंने, याचिकाकर्ता ने यकीन किया था, उस पर कोर्ट ने भी यकीन किया, कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि अगर इन दस्तावेज, चाहे चोरी को या जैसे भी हो, दस्तावेजों में अगर जान है तो वो इसे सुनवाई का हिस्सा जरूर बनाएंगे, फिलहाल वो दस्तावेज देखेंगे। उस समय भी ये बात हुई थी, उस समय कोर्ट ने यही कहा था और आज अपने फैसले से कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि वो दस्तावेज सुनवाई का अहम हिस्सा होंगे और जब सुनवाई का हिस्सा होंगे तो जाहिर है कांग्रेस भी अपने प्रचार का बड़ा हथियार इस चीज को बनाने जा रही है। बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास वापस लौटते हुए, लेकिन आप बताइए चौहान जी, हालांकि आपके लिए यहाँ बैठे बैठे उस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन घिरते लग रहे हैं सर एक दिन पहले? इसका सवाल आप हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से पूछिएगा, मैं अमेठी में बायस को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे मत ये पत्रकार मित्र ने कहा, हाँ। यहाँ 5,000 करोड़ की फैक्ट्रियां लगी थी राजीव गांधी के जमाने में, हाँ हाँ। मैं इनकी याददाश्त दुरुस्त करता हूँ कि 9,000 करोड़ तो केवल करोड़ की, हाँ। कंपनी केवल मालविका थी और उसकी केबल, मशीन, बिजली के मोटर, ईंट बेच करके सैकड़ों कांग्रेसी करोड़पति हो गए। अभी यही हाल, ईंट का भी हिसाब लेंगे, ईंट का भी हिसाब लेंगे, बस यही हाल सम्राट, यही हाल सम्राट बाइसिकल का था जी, ईंट का हिसाब लेंगे। अमेठी की भूमि, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि यहाँ जमीन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की समझ है, उसको संभाल पाना, जिसकी जमीन राहुल गांधी ने कब्जा कर ली। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, अभी बहुत संगीन संगीन इल्जाम भी लगने वाले हैं। कांग्रेस का कोई रहता तो बेहतर रहता, आपस में ये तूतू में करके निपटा लेते। एक ब्रेक के लिए लेकिन हम रुक रहे हैं। देखिए, सियासी रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, स्मृति ईरानी चुनौती दे रही हैं और कल वोटिंग है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राफेल पर दोबारा सुनवाई करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।